नमस्कार दोस्तों, मैथिली विलेज रसोई चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे होंगे, आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम रेसिपी में बनाऊंगी कुंदरू की रेसिपी। तो हमारे चैनल पर जो नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। हमारा वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलना। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना। दोस्तों चलिए हम चलते हैं अपने रसोई में और बनाना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने एक कुंदरू लिया हुआ है, तो आधा किलो हमारा कुंदरू है, तो हमने मार्केट से लिया है ये। तो आज हम इसी की बनाऊंगी कुंदरू की कलौजी, बहुत ही अच्छी। सबसे पहले हम कुंदरू को धोकर साफ़ कर लेती हूँ, तो पानी से हम डालकर धोकर साफ़ कर लेंगे, तो धूल मिट्टी लगी हुई साफ़ हो जाएगी। इस तरह से हाथों से रगड़ कर हम थोड़ा धो लेंगे। दो पानी से धोएंगे अच्छे से। तो कुंदरू को हमने धोकर साफ कर लिया है, तो चाकू से हम काट लेते हैं। पहले दोनों सिरे को इस तरह से काट लेती हूँ और बीच में इस तरह से चीरा लगा देती हूँ। तो इसी में हम मसाला भरेंगे इस तरह से, देखिए। तो और एक और आप सबको दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो कुंदरू बहुत ही नरम है, इसी तरह हम सभी कुंदरू में दोनों तरफ काट कर चीरा लगा देती हूँ बीच में। इसमें मसाला भरना है हमें। सभी कुंदरू को हमने इसी तरह से काट लिया है, तो हम साइड रख देती हूँ। तो लहसुन है हमने लिया है, दो प्याज है छोटा साइज के, और अदरक है, इसे हम छील कर काट लेती हूँ। तो प्याज लहसुन अदरक और मिर्ची को हमने अच्छे से काट लिया है, तो इसे हम धोकर साफ कर लेती हूँ, तो सिलबट्टे के पास पीसूँगी। तो मैं सिलबट्टे के पास आ गई हूँ। तो सिलबट्टे को मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है, आप सब देख सकते हैं। तो हम इसे पीस लेती हूँ। तो हमने प्याज लहसुन अदरक को अच्छे से पीस लिया है, इसे उठा लेती हूँ कटोरी में। तो पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है, अब इसी में हम डाल देते हैं कुछ मसाले। तो ये हल्दी है, आधा चम्मच हम हल्दी डाल देते हैं। ये धनिया पाउडर है, तो हम इसमें दो चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। और इसमें हम खटाई का अमचूर है, खटाई हम लोग बनाते हैं उसी का मसाला है, तो एक चम्मच हम इसे डाल देती हूँ। और ये गरम मसाला है, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला डाल देती हूँ। और स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे, तो ज़्यादा नहीं डालेंगे, स्वाद के अनुसार ही डालेंगे। तो मसालों को हम अच्छे से हाथों से इस तरह से मिला लेती हूँ, आप चाहे तो चम्मच से भी मिला सकते हैं। इसी तरह से हाथों से अच्छे से मसालों को मिला लेती हूँ। सभी मसालों को हमने अच्छे से मिला लिया है, तो इस तरह से कुंदरू में हम भर लेती हूँ। इस तरह से देखिए, आप चाहे चम्मच से भर सकते हैं, लेकिन हाथों से भरने में आसानी होती है, इस तरह से हम लोग हाथों से ही भरते हैं। देखिए एक और भर दिखा देती हूँ सबको, ये देखिए। देखिए इसी तरह हम सभी कुंदरू में मसालों को इस तरह से भर लेती हूँ। देखिए दोस्तों, हमने सभी कुंदरू में मसालों को अच्छे से भर दिया है, अब चलते हैं चूल्हे में आग को जलाएंगे हम। तो चूल्हे में हम आग को जला लेती हूँ इससे पहले। तो चूल्हे में हमने आग को जला दिया है, तो हाथ को धोकर साफ कर लिया है। चूल्हे पर रख देती हूँ कढ़ाई, तो कढ़ाई गर्म हो रही है। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, डाल देती हूँ सरसों का तेल। तेल हम कुछ ज़्यादा डालेंगे, तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुका है, इसमें डाल देते हैं कुंदरू। तो
सभी कुंदरू को हमने डाल दिया है कढ़ाही में, तरह से रख दिया है। इसे थाली है, थाली से हम ढक देती हूँ ताकि अच्छे से पके। बीच बीच में हम जैसे चलाते रहेंगे। दो तीन मिनट हो चुके हैं, हम थाली हिला के देख लेती हूँ। तो कंसिल के सहारे से हम इसे चला लेती हूँ। कुंडू को हमने चला लिया है, तो थाली से फिर ढक देती हूँ, इसे पकने देती हूँ अच्छे से। तो हमें आँच ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, तो धीमी आँच में ही पकाना है हमें, नहीं तो मसाला हमारा जल जाएगा। तो दो तीन मिनट हो चुके हैं, फिर एक बार चला देती हूँ कंसिल के सहारे से। देखिए हमारा कलौंजी जो है लगभग तैयार हो चली है, अभी थोड़ा और बाकी है। इस तरह से कंसिल के सहारे से चला कर पलट देती हूँ ताकि हमारे कलौंजी जो है कुल्लू अच्छे से पक जाए। हम इसे धीमी आंच में ही पका रहे हैं। तो हमने इस कंचुक सारे से एक बार फिर से पलट दिया है, जिसे हम फिर थाली से ढक देती हूँ। दो तीन मिनट अच्छे से पकने देती हूँ। थाली हटा हम देख लेते हैं सब्जी को एक बार। तो देखिए दोस्तों, हमारी सब्जी जो है कुंडू की कलौंजी बन के तैयार हो चुकी है बहुत ही अच्छे से। इस तरह से आप भी ज़रूर बना के खाइएगा, बहुत ही अच्छे लगेगा खाने में, बहुत टेस्टी है खाने में लगता है ये, और स्वादिष्ट भी। तो कढ़ाई को मैं नीचे उतार लेती हूँ। तो कढ़ाई को मैं नीचे उतार लिया है, तो हम इस प्लेट में निकाल लेती हूँ, रख देती हूँ। तुम्हारी कलौंजी देखिए बहुत कितना अच्छा बना हुआ है, कितना अच्छा दिख रहा है। आप लोग भी इसी तरह से बना कर ज़रूर खाइएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि सब्ज़ी कैसी लगी। तो देखिए दोस्तों, हमने कुंदरू की कलौंजी को इस तरह से परोस दिया है, कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत ही सुंदर, देखने में बहुत ही सुंदर दिख रहा है और खाने में ही बहुत ही स्वादिष्ट आएगा ये सब्ज़ी। इस तरह से आप भी ज़रूर बनाकर खाइएगा। तो हमने रोटी के साथ परोसा हुआ है, तो आप चाहें पराठा से, पूरी से, जिससे चाहें खा सकते हैं। बहुत ही खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा ये सब्ज़ी। तो हमारा वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।